ये स्टेबलाइजर में लगने वाला ये रिले ड्राइवर बोर्ड है, जिसमें देखेंगे इस बोर्ड में 6 प्रीसेट यूज किए गए हैं और दो आईसी, एक आईसी है LM324 और यहाँ पर देखेंगे ये है LM358। इसे हम जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये LM358 एक आईसी है और ये है LM324। अब आज की वीडियो में आप देखेंगे इसमें जो अक्सर प्रॉब्लम आता है वो प्रीसेट को लेकर आता है, कि जैसे यहाँ पर देखें ये तीन प्रीसेट ऊपर और तीन प्रीसेट नीचे लगे हुए हैं, इसमें कोई भी प्रीसेट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा यानी कुछ दिन बाद इसमें कार्बन आ जाता है या मॉइस्चर की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम इशू आ जाता है, तो जिससे इसमें क्या होता है ये रिले की ड्राइव चेंज हो जाती है और रिले की ड्राइव चेंज होने से ये वोल्टेज भी हमारे जो है आउटपुट पे मिलने वाले चेंज हो जाते हैं। अब इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक मेथड को यूज़ किया है जो कि आपको आगे बताते हैं, उसके पहले आप यहाँ पर देख लें इसके बारे में कि ये तीन प्रीसेट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जो इसके नीचे लिखा हुआ R1, R2, R3, फिर यहाँ पे R4 और यहाँ पे ये हाई है और ये है टाइमर, ठीक है। ये 6 प्रीसेट का जो डिटेल है हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है, कि जिससे आप मालूम कर सके बहुत इजी तरीके से कि अगर कोई भी प्रीसेट फॉल्ट होता है तो वो कौन सा प्रीसेट है, उस पर क्या डिफरेंसेस है, उसे कैसे जाने। तो उसके लिए एक मेथड बताते हैं आपको, यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये पांच रिले यूज़ किया गया है और पांचों रिले का जो निगेटिव आउट होगा ये यहाँ से होगा, जैसे R1, R2, R3, R4, R5, ये है कॉमन, कॉमन में प्लस की सप्लाई मिलती है। अब एक प्लस की सप्लाई यहाँ पे रिले के ड्राइव के लिए जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट का इस जीनर के द्वारा फिक्स किया गया है, E1 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये जो जीनर के द्वारा फिक्स किया गया 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस आईसी की ये वर्किंग वोल्टेज है, यानी ये दोनों आईसी को जो सप्लाई दी जाती है काम करने के लिए ये यहीं से जाएगा, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं चलिए इसके लिए क्या करना है, कि अगर ये प्रीसेट फॉल्ट हो तो जैसे इस डायग्राम में देखें ये है मेन ट्रांसफार्मर और यहाँ पे ELT वाइंडिंग निकली हुई है जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगा, ये 0 22 वोल्ट यहाँ पे होता है और यह है ट्रिगर, ट्रिगर का एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा है जो कि 0 18 है और यहाँ पे ये इनपुट लाइन इन होगी, यहीं से इन होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है R1, R2, R3, R4, R5, ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 4 ना लिख के 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R4 हो गया, यहाँ पे R5 हो गया। अब इस वीडियो में समझेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आता है कि रिले की जो ड्राइव चेंज हो गई है या किसी में वोल्टेज डिफरेंस हो गए हैं यानी रिले का जो सेटिंग था वो मिस हो गया है तो उसको कैसे सॉल्व करें हम। वैसे इसको जो है एक प्रोग्राम्ड बेस भी बनाया जा सकता है इस मेथड को, लेकिन ये चूंकि मैनुअली है तो मैनुअली सेटिंग करने में कुछ चीज़ें आसान होती है, जो ट्रांसफार्मर अगर अनमैच है तो उसे भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर डिसबैलेंसिंग में इसे सेट किया जा सकता है, लेकिन जो सेट किया गया प्रीसेट है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है कुछ दिन बाद तो उसको कैसे सॉल्व करें आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये वही डायग्राम है, 6 प्रीसेट 7 स्टेप, ठीक है, और ये 60 वोल्ट से 300 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 5 kVA के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जो है ये जो बोर्ड है 6 प्रीसेट का, इसमें अगर कोई भी प्रीसेट, 6 प्रीसेट में से कोई भी प्रीसेट अगर डिसबैलेंसिंग होती है या प्रॉब्लम में होता है तो उसे एक मेथड है जो कि यहाँ पर हमने एक वोल्टेज फिक्स के मेथड से चेक करने का ऑप्शन बताया है, जैसे यहाँ पर देखें ये कॉमन है, कॉमन की पॉजिटिव सप्लाई सारे रिले पर जाएगी, जहाँ से रिले ऑन ऑफ होता है वहाँ पर 2 पॉइंट है, एक है कॉमन जो कॉमन सभी रिले के लिए है और दूसरा पॉइंट जो छूटा हुआ है यहाँ पर देखें ये, अब जैसे R1 इसके लिए हो गया, R2 इसके लिए हो गया, R3 इसके लिए हो गया, R4 इसके लिए हो गया और फिर R5 लास्ट में यहाँ पे हो गया। अभी चलिए इसको जूम करके हम दिखाते हैं फिर अब आगे बताते हैं आपको, यहाँ पर देखें ये इनपुट यानी ये जो सप्लाई इस रिले पे इन हो रही है इसको जो है आप पहले फिक्स कर दें, चाहे 100 वोल्ट पे चाहे 150 पे, अगर 100 वोल्ट पे फिक्स करते हैं इनपुट यहाँ पे तो जो स्टेबलाइजर को सप्लाई जा रही है इन हो रही है उसका जो वोल्टेज बैरिक से या किसी भी मेथड से अगर 100 वोल्ट करते हैं, 100 वोल्ट करने के बाद यहाँ पर देखें यहाँ से निगेटिव सप्लाई यानी LM324 के इस पिन पे निगेटिव सप्लाई यानी मल्टीमीटर का DC के रेंज पे रख के यहाँ पे निगेटिव प्रॉब रख के और पॉजिटिव का प्रॉब यहाँ पे R1 से स्टार्ट करें।
अगर 100 वोल्ट के रेंज पे है, यानी यहाँ पे 100 वोल्ट फिक्स किया है, तो यहाँ पर देखेंगे बीच वाले पॉइंट पे, यानी जो स्टेबलाइजर में लगने वाला जो बोर्ड है, बोर्ड का जो प्रीसेट है, प्रीसेट का बीच वाला पॉइंट यहाँ पे हमने इस तरीके से इंडिकेट किया है, उसको भी हम दिखाते हैं। वो ये है पॉइंट, जैसे ये जब हम स्क्रू ड्राइवर से इसे घुमाते हैं तो जैसे ये इस जगह पे डायरेक्शन पे फिक्स है, तो ऐसे ऐसे जिसकी सेटिंग रिले के अनुसार चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, इसका पॉइंट यहाँ पे है और इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो वो हमने जो एरो से इंडिकेशन लिया है वो ये है पॉइंट, यानी ये जो है बीच वाला पॉइंट है, ये 6 प्रीसेट में है और 6 का ये बीच वाला पॉइंट है। ये है किनारे किनारे वाला पॉइंट, जो कि आगे आपको दिखाते हैं। अब वहाँ पे जो भी वोल्टेज हमें चेक करना है, ये इसी का वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव का प्रॉब लगाएं और पॉजिटिव का प्रॉब यहाँ पर लगाएं, तो किसी भी प्रीसेट को अगर चेक करना है तो 100 वोल्ट फिक्स कर लें, तो इसके अनुसार मैच कर लें, या तो 150 यानी 150 वोल्ट फिक्स कर लें, तो जितने भी प्रीसेट हैं उसके हिसाब से उस वोल्टेज को टेस्ट आउट करके उस प्रीसेट का फॉल्ट निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से। अब यहाँ पर देखें, अगर 100 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 100 वोल्टेज देने के बाद R1 के बीच वाले पॉइंट पे 5.69 वोल्ट मिलेगा, फिर यहाँ R2 पे 3.65 वोल्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे R3 पे 2.69 वोल्टेज मिलेगा, ये 100 वोल्ट का रेंज है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं R4 पे, यहाँ पे जो है 4.73, फिर R5 पे 3.27 वोल्टेज, फिर ये जो लास्ट में है टाइमर के लिए यहाँ पे 12.2 वोल्ट, ठीक है। अब यही तरीका नेक्स्ट आएगा, ये 150 वोल्ट यानी 150 वोल्ट यहाँ पे फिक्स कर दें इनपुट पे, और 150 वोल्ट फिक्स करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करें, देखें कि इसके जो बीच वाले प्रीसेट के पॉइंट पे 8.73 मिलेगा, फिर यहाँ पे R2 पे 5.51 मिलेगा, फिर यहाँ पे R3 पे 4 वोल्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट आएंगे R4 पे यहाँ पे 4.60, फिर R5 पे 3.1, फिर R6 पे 12.2 यानी 150 वोल्ट के रेंज पे। ये हमने जो है इजी तरीके से इसलिए बताया है कि जैसे किसी को इसकी सेटिंग नहीं मालूम है, या किसी के पास बैरिक नहीं है या नहीं मालूम है, तो ये एक मेथड ये भी अपना सकते हैं, जो ये हमने जो है कंफर्म इसकी सेटिंग की है, और ये 150 पे 230 वोल्ट आउटपुट है, और 150 वोल्ट के रेंज पे इस प्रीसेट पे मिलने वाले जो बीच में सेंटर पॉइंट पे वोल्टेज है, इस सेंटर पॉइंट का वोल्टेज हमने इस मेथड से जो आपको बताया है। ये शायद आपको ऐसा मेथड किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि ये अपना हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आने वाले समय में आपको प्रीसेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीसेट ही ऐसा पॉट है ये कि अक्सर ये फॉल्ट होता है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छी कंपनी के प्रीसेट अगर हैं तो वो बहुत ही कभी लॉन्ग टाइम के बाद ही फॉल्ट में इशू आता है, लेकिन इसमें क्या होता है अक्सर फॉल्ट देखने को मिलता है, इसलिए जो है इस प्रीसेट का काम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका भी काम आस्ते आस्ते जो है अब आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि इस मैनुअल सिस्टम को आप समझें, और इसको कैसे प्रोग्राम्ड बेस्ड बनाया जा सकता है कि आप सेल्फ प्रोग्रामिंग करके, और इस सारे जो ये सेटिंग है इस मेथड को हम कैसे इस रिले के द्वारा मैच कराएं, इसको भी हम आपको बताएंगे। अगर इसमें और एक बात बता दें आपको कि अगर ये प्रीसेट के वैल्यू आपके पास सेम नहीं है, तो इसके जगह पर आप रेजिस्टेंस के द्वारा भी इसे फिक्स कर सकते हैं इस वोल्टेज को, कि जो इसमें एक आयरन कोर यूज़ किए जाते हैं और इस समय जो कार्बन कोर यूज़ किए जा रहे हैं, उस दोनों कोर में डिफरेंसेस क्या हैं, और इस समय सबसे अधिक ये कार्बन कोर यूज़ क्यों किए जा रहे हैं, तो इस सारे चीज़ों को हम आगे वीडियो में बताएंगे स्टेबलाइजर में। और इस समय जैसे आप किसी चीज़ को असेंबल करते थे, पहले CD हुआ या डेक हुआ या जो चीज़ें असेंबलिंग के लिए बहुत ही ईजी मेथड था, ऐसे ही स्टेबलाइजर भी बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है, जो कि हम नेक्स्ट समझेंगे इसके बारे में कि आप खुद भी कोई भी स्टेबलाइजर बहुत इजी तरीके से असेंबल कर सकते हैं। वो लो वाटर से लेकर हाई वाटर तक के स्टेबलाइजर को बहुत आसानी से असेंबल कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं समझना ज़रूरी है, जो कि वो आप जब समझ जाएंगे तो उसे अपने मेथड के अनुसार असेंबल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।